हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। अभी मौसम का मिजाज थोड़ा सा सुधरा है, बारिश थोड़ी हुई। कल 3 बजे से थोड़ी बदली बदली थी, तो मैंने टेरेस का काफ़ी साफ़ सफाई का काम कर लिया है। देखिए, झाड़ू मिट्टी जितना इधर उधर बिखरे पड़े थे सब मैंने उठा के रख दिया। और मैं आपसे बताती हूँ कि मैं गार्डनिंग में किसी का हेल्प नहीं लेती, किसी का नहीं मतलब किसी का। जो भी भाई बहन हमारे गार्डनिंग करते हैं सिर्फ वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप देख सकते हो कि जितने भी प्लांट्स हैं इसमें जितनी भी मिट्टियाँ यूज हुई हैं वो मिट्टी ग्राउंड फ्लोर से यहाँ टेरेस पे लाना ही बहुत बड़ी बात है। और आप यकीन करो कि ये सारी की सारी मिट्टी मैंने अकेले ऊपर लाया है। मैं जैसे भी लाई होंगी, मैं छोटे छोटे पॉली बैग में भर भर के या मेरे को जैसा भी बन पड़ा। घर वालों से बोलोगे तो मना नहीं करते, तो लेकिन मेरे को जिस टाइम पे जो काम चाहिए मेरे को उसी टाइम पे ही करना है। अगर अभी करना है तो मेरे को अभी चाहिए, ये नहीं कि रुको बाद में कर देंगे। तो इस चक्कर में मैंने बोलना ही बंद कर दिया। और देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी मेहनत से ये पूरा पूरा गार्डन ही सजा दिया अकेले एक ही हाथ से, और बाहर से कोई भी चीज़ नहीं। ये जितने भी सीमेंट के गमले दिख रहे हैं दरवाजे पे, भैया जी देने आए बेचने आए थे उनसे मैं ली थी, पर अब मैं ये भी नहीं करूँगी क्योंकि सीमेंट के गमले प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं पर इनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत भारी हो जाते हैं, छत के लिए भी सही नहीं है, लाइट वेट नहीं होते। तो फ्यूचर में अगर मैं पॉट्स लेती हूँ तो सिर्फ प्लास्टिक के ही यूज करूँगी। शौक पूरा करने के लिए प्लास्टिक के गमलों में भी प्लांट्स अच्छे चल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ड्रेनेज का अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनका मिट्टी अच्छे से बनाया जाए। तो प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और अगर मैं काम में कोई हेल्प नहीं लेती घर वालों की, तो मैंने ठाना है कि गार्डनिंग मुझे करना है, ये शौक़ मेरा है। तो मैं खर्चे भी बहुत गार्डनिंग के नाम पे बहुत कम कराती हूँ। आप को जितने भी पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, मेरे को जो घर खर्च मिलता है उसमें से मैं ऐसे पैसे बचाती हूँ कि समझ नहीं आए कि मैंने अलग से पॉट्स के लिए इसमें पैसे निकाले हैं। दो चार में बीच बीच में ले लेती हूँ। मतलब एक इकट्ठा समझ में मत आए कि गार्डन के लिए ये सामान ये चीज़ें खरीदी गई हैं। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हर शौक पूरा करते हैं तो ये भी कर देते, लेकिन ये मेरी जिद है कि जो गार्डनिंग का काम है उसमें भी घर वालों को डिस्टर्बेंस ना हो कि पूरे टाइम गार्डन में लगे रहते हैं तो घर का काम पीछे रह जाता है, टाइम से खाना नहीं मिलता, बाकी चीज़ें नहीं होती। मैं उन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, उधर का पूरा मैनेज करके ही मैं अपने गार्डन का टाइम मेंटेन करती हूँ, चाहे मेरे को जैसे भी समझ में आए। और खर्चे भी मैं गार्डनिंग के नाम पे मैं जो बड़ा खर्च कराई हूँ फ्रेंड, एक ही बार कराई हूँ, वो ये स्टैंड। ये 6-7 मैंने स्टैंड बनवाए, उसमें इकट्ठा जो पैसे गए उसके बाद मैं बिल्कुल जीरो बजट में ये पूरा मैंने गार्डन अपना रेडी किया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हाय नज़र ना लगे मेरे ही, मैंने अपनी मेहनत से इतना सुंदर गार्डन रेडी किया है। और बहुत अच्छे से सब चल रहे हैं, बहुत हेल्दी चल रहे हैं, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। देखिए ये रोज़
ये क्लाइम रोज भी खिल रहे हैं, ये पिंक वाले खिल ही रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये देखिए मधुमालती, और ये एक्जोरा में भी ये देखिए बर्ड्स बनने लगे हैं। देखिए इस प्लांट, ये प्लांट इतना हेल्दी चल रहा है लेकिन इसमें फ्लावरिंग का नाम नहीं, तो मैंने कल इसकी पत्तियाँ कम कर दी हैं फ्रेंड। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई थी शायद, इसलिए फ्लावरिंग पे आ ही नहीं रहा था। आप देखते हैं, और मैंने पॉट्स बता दिया, काम बता दिया, लेकिन जितने आप प्लांट्स देख रहे हैं वो भी मेरे 80% फ्री के ही हैं, फ्री के ही हैं, कटिंग से, सीड से, इधर उधर जुगाड़ करके, मांग करके मैंने इतने सारे प्लांट, इतना सारा कलेक्शन रेडी किया है। मैं बहुत कम नर्सरी जाती हूँ, और जाती भी हूँ तो बहुत गिने चुने ही प्लांट्स लाती हूँ। अब प्लांट्स का तो ऐसा है कि अगर पसंद आ गया, चॉइस में है तो उसको लाना ही है, पर मेरा नर्सरी जाना ही बहुत कम होता है, और ऑनलाइन मैं कोई शॉपिंग नहीं करती, मेरे बच्चे ही करते हैं। गिफ्ट के तौर पे मेरी बड़ी बेटी कई बार मुझे पॉट्स ले के दी है प्लास्टिक के, तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मिलके मेरा गार्डन रेडी हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। और ये देखिए, ये देखिए, ये दुर्गा पूजा के टाइम में बाहर घूमने गई थी तो ये सब फूल मैंने रख लिया था अपने बैग में। और देखिए एक फूल अच्छे से सूख गया है, अब इसको मैं छिड़क दूंगी, इससे काफ़ी प्लांट्स मेरे गार्डन में निकल आएंगे, बाद में मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो यही तरीका है मेरा फ्रेंड गार्डनिंग करने का, तो ज़रूर अप्रिशिएट करिए, सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत हम करते हैं अपने गार्डन में, और आपके लिए वीडियो बनाने में, आप के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपको अच्छा लगे, आपको चीज़ें बोर मत करें, परेशान मत करें। तो बस फ्रेंड यही थी आज की मेरी शेयरिंग, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अपने फेवरेट कामों में बिजी रहें। ओके फ्रेंड, बाय।